सो हे गाइस, माय नेम इज एसकेडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो मैं बाइक रिलेटेड वीडियोस के चैनल में डालता रहता हूँ, सो फिर टू दैट काइंड ऑफ कंटेंट एंड इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। हम लोग बातों को ज़्यादा घुमाते नहीं और प्रैक्टिकल पॉइंट में बात करते हैं। सो बजाज का एक रूमर फैल चुका है कि बजाज बहुत जल्दी RS 250 को लॉन्च करने वाला है इंडियन मार्केट में। अब बहुत जन ये सोच रहे हैं कि RS 400 को लॉन्च करना चाहिए। पर्सनली मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप आई बटन में देख पा रहे होंगे कि मुझे पर्सनली क्यों लग रहा है RS 400 इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं होगा, अगर होने से बहुत देर में होगा। और कंपैरेटिवली अगर आप सही से मेरे अजम्पशंस या फिर पॉइंट्स को नोटिस करेंगे तो आपको भी लगेगा कि बजाज RS 400 इंडिया में अभी तो एटलीस्ट लॉन्च नहीं होने वाला है। पर मुझे एट द सेम टाइम लग रहा है RS 250 बहुत ज़्यादा चांसेस, अराउंड 80-90% चांसेस है कि वो इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। अब पर्सनली मुझे क्यों लग रहा है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो अगर हम बाइक के बारे में बात करें तो द बाइक इंजन इज पावर्ड बाय द सेम इंजन जो डोमिना 250 में लगा है, जो रिसेंटली बजाज ने लॉन्च किया। दैट इज अ 248cc लिक्विड कूल इंजन विच प्रोड्यूसेस अबाउट 27 horsepower ऑफ पावर एंड 23 Nm ऑफ पीक टॉर्क। आप ये बाइक में सेम वही चीज देख सकते हैं जो नॉर्मल RS या डोमिना में, वो है डुअल चैनल ABS, स्लीपर क्लच, 37 USD एट द फ्रंट एंड एडजस्ट टेबल मोनोशॉक विद नाइट्रॉक्स एट द रियर। अब ये तो नॉर्मल बाइक का बात हो गया, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात हो। अब मेन पॉइंट में आते हैं कि मुझे पर्सनली क्यों लग रहा है कि RS 250 इंडिया में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है कम्पेयर टू RS 400। अगर आप कंपटीशन के बारे में देख लीजिए, डोमिनर क्या है, डोमिनर नेकेड स्ट्रीट बाइक है। डोमिनर का कंपटीटर क्या क्या है, डोमिनर का कंपटीटर है यामाहा Z25 और जिक्सर 250। ये हो गया यामाहा के तरफ से कंपटीशन, मतलब बजाज को ये तीन बाइक एक साथ कंपीट करेंगे एक सेगमेंट के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप फुल्ली फेयर स्पोर्ट्स बाइक की तरफ आए तो वी हैव CBR 250, वी हैव जिक्सर SF 250 और बजाज के तरफ से अभी सिर्फ RS 200 है जो लैक कर रहा है वो एक सेगमेंट में। मैं KTM का बाइक के बारे में बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि वो बजाज के साथ ही पार्टनरशिप में और KTM के बाइक्स ये प्राइस रेंज में आते नहीं, एक्सपेंसिव है। तो बजाज का ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बजाज RS 200 को डिसकंटिन्यू करके 250 को लॉन्च करेगा इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि अगर वो 250 को लॉन्च करेगा तभी वो अपने कंपटीटर के साथ ये रेस में टिका रहेगा कंपेयर टू 200cc के बाइक में। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बाइक इंडिया में आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि आपका ओपिनियन क्या है, आप कमेंट्स में बताइए। टिल देन दिस इज मैं इसके लिए साइनिंग आउट, एडियोस। सो यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। चेक आउट आवर सम अदर पॉपुलर वीडियोस एंड अ प्लेलिस्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक।